हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आईपीएल 2021 की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने करी है जबरदस्त शुरुआत, जहां पे गाइस पहले मुकाबले में दी है डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को मात। और इस सीजन दोस्तों टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने शानदार जीत के साथ अपनी शुरुआत करी है। तो गाइस, बट उससे पहले गाइस मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिस एप्लीकेशन का नाम है गाइस फैंटेसी पावर 11। इस एप्लीकेशन में गाइस आपको डेली गैजेट गिव अवे कॉन्टेस्ट मिलता है, जहां पर आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप कोई भी गैजेट जीत सकते हो। साथ ही में गाइस आप एक्स्ट्रा रनिंग करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन में आपको लीडर बोर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर गाइस आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी रैंक फाइंड की जाती है और उस हिसाब से आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और गाइस इस एप्लीकेशन में आपको मेगा लीग भी मिल जाती है, और साथ में गाइस जो यूजर्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखेगा उसे डेली फ्री एंट्री और स्क्रैच कार्ड भी मिलेंगे। बात की जाएगी इस पेमेंट की, तो इस एप्लीकेशन में आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलता है, साथ में गाइस आपको 24/7 क्विक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जहां पर आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। गाइस इस एप्लीकेशन में कॉम्पिटिशन बहुत ही लो है, आप इजीली पार्टिसिपेट करके बिग विन कर सकते हो। तो गाइस इंतजार किस बात का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि गाइस कल के मैच के थे हीरो, कल के मैच के थे मैच विनर्स। तो गाइस यहां पे सबसे पहले नाम निकल के आता है हर्षल पटेल का। दोस्तों हर्षल पटेल, जिनको आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड में अपनी टीम में शामिल किया था, उन्होंने दोस्तों कल शानदार गेंदबाजी कराई, अपने करियर का पहला 5 विकेट का हॉल लेके आरसीबी की टीम को शानदार जीत दिलाई और बन चुके हैं ऐसे पहले गेंदबाज जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट का हॉल पूरा किया है। साथ में हर्षल पटेल के हाथ से आरसीबी की टीम के विनिंग रन्स भी निकले। तो गाइस हर्षल पटेल इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे, लेकिन गाइस एबी डिविलियर्स ना होते तो आरसीबी की टीम से ये मैच लगभग निकल ही गया था। एबी डिविलियर्स ने दोस्तों शानदार 27 गेंदों पे 48 रन की पारी खेली, जिसमें गाइस 2 छक्के मौजूद थे, और एक टाइम पे दोस्तों ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के हाथ से ये मैच निकल रहा है, लेकिन गाइस एबी डिविलियर्स आए और अपना कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, जहां पे गाइस ना इन्होंने बुमराह को देखा ना ही देखा ट्रेंट बोल्ट को, जो भी आया गाइस उसको इन्होंने चौके पे छक्के दिए और दोस्तों शानदार 48 रन की मैच जिताऊ इनिंग्स खेली। उसके बाद दोस्तों नाम निकल के आता है काई जेमिसन का और ग्लेन मैक्सवेल का। तो गाइस ये दो जो कि हम सभी को थोड़ा डाउटफुल लग रहे थे, क्या दोस्तों आरसीबी की टीम ने इनको अपनी टीम में शामिल करके सही किया है गलत, लेकिन गाइस इन्होंने पहले मुकाबले में साबित कर दिया है। खासकर दोस्तों काई जेमिसन, जिनको आरसीबी की टीम ने 15 करोड़ में शामिल किया, क्या शानदार गेंदबाजी इन्होंने कराई, 4 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट अपने नाम किया, और ये विकेट भी दोस्तों सूर्य कुमार यादव का था जो कि दोस्तों इन फॉर्म बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तो गाइस काइल जेमिसन काफी तगड़ी फॉर्म में मौजूद है और आरसीबी की टीम के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती। साथ में गाइस यहां पे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने गाइस पिछले सीजन 1 भी सिक्स नहीं मारा था, उन्होंने दोस्तों पहले ही मुकाबले में आरसीबी की टीम के लिए 2 छक्के जड़े और विराट कोहली के साथ इनकी पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, काफी इंपॉर्टेंट समय पे पार्टनरशिप आई और आरसीबी की टीम को दोस्तों काफी आसान कर दिया इस मैच को जीतने में। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी भी काफी कमाल की रही, 4 ओवर में 22 रन दिए इन्होंने, जहां पे गाइस विकेट तो एक भी नहीं मिला लेकिन 6 से कम की इकोनॉमी इनकी रही थी। तो गाइस ओवरऑल ये मैच आरसीबी की टीम के नाम रहा, जहां पे गाइस मुंबई इंडियंस को पहले मुकाबले में हार मिली है और आरसीबी की टीम को 2 विकेट से जीत मिली है और साथ में महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स भी मिले हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ कल के मैच में कौन था आरसीबी की टीम का हीरो, किसकी वजह से आरसीबी की टीम ने जीता कल का मैच, आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाकी दोस्तों आज की वीडियो ये तक थी, जाते जाते वीडियो को लाइक करिए, अगर आप आरसीबी की टीम के फैन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।